यहाँ पारस ले चुके हैं 12 लाख। नीतीश कुमार जी से हम याद दिलाना चाहेंगे कि कभी तो संवेदनशील होइए। संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा है सत्ता पक्ष और विपक्ष का। बताइए और यही लोग यहाँ कॉपरेट कर रहे हैं। अभिषेक है, विशाल है, ये लोग लगे हैं उनके इलाज के खर्चा सारे लाते हैं। नियोजित शिक्षक थे, ट्रेन बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। यहाँ से एम्स रेफर किया गया है मनोज सिंह जी को। सरकार की कोई दिलचस्पी नहीं है 4.5 लाख रुपये एम्स में ये खर्च के लिए, इलाज के लिए। यहाँ नहीं, यहाँ से एम्बुलेंस मांग रहे हैं। अब आप बताइए कि ये कहाँ से सक्षम होंगे। 12 लाख रुपया पहले से यहाँ पारस ले चुके हैं। 12 लाख। इतनी बड़ी घटना, आधा किलोमीटर पर मुख्यमंत्री भी हैं, बाहर है बात सरकार। दुनिया के लिए होता है 6-6 घटना घटी। नीतीश कुमार जी से हम याद दिलाना चाहेंगे कि कभी तो संवेदनशील होइए। संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा है सत्ता पक्ष और विपक्ष का नेतृत्व। हर चीजों का राजनीतिकरण और इवेंट्स नहीं किया जा सकता। वो लगे हैं कि बच्चों का पिता जिंदा रहे, उस परिवार में नौकरी मिले। मैं बार बार कहता हूं कि उस पांचों भाई के परिवार में एक एक नौकरी, सरकारी नौकरी, असिस्टेंट कमांडेंट के फैमिली में अभिलंब, सर वो आर्मी मैन परिवार है ना, आप उसको जाति से नहीं जोड़ सकते। सर एक एक्स आर्मी मैन है, उसके पांचों बेटे हैं। इसके लिए कोई सवाल खड़ा नहीं होगा। असिस्टेंट कमांडेंट की 5 बेटियां, जिसकी मात्र एक शादी हुई है, 4 कुमारी है, कोई घर में नहीं बचा। इनके एक छोटे बच्चा और एक बेटी, एक भाई जेल में है जिसको जबरदस्ती केस में इन्वॉल्व किया गया था साजिश के तहत, पूर्व मंत्री के साजिश के तहत हुआ था ये केस। उसको हर संभव निकालने का हम प्रयास करेंगे, मर लेगा। लेकिन एक क्रिमिनल गैंग ने वार किया, उसको फांसी हो सजा हो, उसके केस के लिए हम कल भी बात की है आईजी से, सारी शक्ति लगाए, जितनी भगवान ने हमें क्षमता दी सब लगाए। भैया ये जितनी मदद होगी यहाँ से लेके एम्स तक पूरी मदद फिलहाल। ये एम्बुलेंस में 2 लाख रुपया की मदद हम लोग, अभी हमने प्रेमचंद जी को कहा है कि आप कभी मदद की है, वहाँ 1 लाख मदद हो। पीड़ित यही है अभी जिनको कोमा में है। अच्छा। और 15 लाख रुपये लग गए पारस में जी, 12 लाख रुपये लूट का अड्डा बना हुआ है भाई। इतनी बड़ी घटना में सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी इसको बचाने की, सरकार और विपक्ष मस्त है राजनीति करने में। हम आग्रह करेंगे स्वास्थ्य मंत्री से जी, इसकी पूरी इलाज की खर्चा वो उठाए, ये मेरा आग्रह है उनसे, यदि संवेदना है।